अम्मी के हाथ की रोटी है, सालन तो नहीं हमारे यहाँ, सालन नहीं पकाया, हरी मिर्च से खा लो। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। क्यों, हरी मिर्च देख कर डर गई क्या? नहीं नहीं। जिस बात का डर था वही हुआ, अब मैं क्या बताऊंगी अपने बेटे से जाके। शहजादी जी, आप हमारी गरीबी देख कर रोटी नहीं खा रही, लो खाओ खाओ खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना। लो एक निवाला खा लो। नहीं मैंने बोला है ना मुझे नहीं खाना, आप खाइए। अच्छा चलो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। हरी मिर्च की वजह से नहीं खा रही, लो हटा दी मिर्च, ले लो। खा लूंगी मगर एक शर्त पर। हाँ हाँ बोलो। आप मुझे शहजादी नहीं बोलोगे, रुखसाना बोलोगे। रुखसाना जी? सिर्फ रुखसाना। खा लो रुखसाना, लो रुखसाना जी खा लो, थोड़ी सी खा लो। ये तो मैं खा लूंगी, और ये किसी के बाप की जागीर भी नहीं है, ये तो खुदा ने हर किसी के हक के लिए जमीन पर पैदा किया है, मुझे भी मेरी माँ ने बताया था। सही कह रही है रुखसाना, मुझे भी किसी फकीर बाबा ने ऐसी बताया, सब अपने नसीब का खाते हैं। खालो, 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 खालो। ये लो पहले आप खाओ। नहीं नहीं आप खाओ, आप खाओ। खाओ ना। अब तुम मेरे हाथ से खाओ, ये लो। हैं? ये क्या देख रही हूं मैं? हाँ बेटा। अम्मी तुमने बतला दिया रुखसाना का बेगम साहिबा से? हाँ बेटा बता तो दिया। अम्मी तुम इतनी जल्दी आ गई, हैं? क्या बोला नवाब साहब ने? बेटा उन्होंने बोला कि तुमने रुखसाना को पनाह दी है, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, मेरे इलाके से निकल जाओ वरना अपने आदमी भेजकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। क्या अम्मी ये बताओ हम जाएंगे कहाँ? देख लो मैंने आपसे पहले ही मना करा था ना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं माने, मेरे साथ साथ मिल गई ना तुम्हें भी सजा, अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बेटी तुम जाओ या ना जाओ मगर हमारी सजा माफ होने वाली नहीं है। बेटा शेख चिल्ली चल चलने की तैयारी कर वरना नवाब साहब के आदमी आ जाएंगे। मगर अम्मी शहजादी का क्या होगा, इन्हें भी ले चलो अपने साथ। हाँ हाँ और ये कहाँ जाएगी, जहाँ हम जाएंगे वहीं हमारे साथ चलेगी। चलोगी ना बेटी तुम हमारे साथ? चलूंगी अम्मी पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटी तुम भी बताओ। कहीं भी जाने से पहले अम्मी शेख जी से मेरा निकाह करा दो। क्या तू सच बोल रही है बेटी? अगर तू राजी है तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, मगर यहाँ रहते तो और भी अच्छा लगता। अम्मी जहाँ कदर ना हो वहाँ रहना भी अच्छा नहीं होता। अम्मी हाँ बेटा ये तो खुश है मगर क्या नवाब साहब मानेंगे, अगर सजा सुनाई तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अम्मी शेख जी अगर आप यहाँ रहना भी चाहोगे तो भी मैं यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ, और जिस चमन का माली अपने फूलों में प्यार की ऊंच नीच देखता हो वो फूल हमेशा सूख जाते हैं। ठीक है बेटी चलो सामान समेटते हैं, ऊपर वाले की बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी रह लेंगे जाके। चल तेरा निकाह शेखू से करवा दूंगी। ठीक है अम्मी मैं भी सामान बंधवा देती हूँ। चलो तम्मी। दौलत बदल देती है रिश्ता चाहे हो अम्मी, लो बेटा उठवा। लो लो अम्मी चरपाई भी ले लूं।
अरे इसे यही पड़ी रहन दे। आ, क्या कह रही हो? यही रहन दे इसे। वैसे रुखसाना से निकाह करवाने कह रही हूँ, कहाँ सोएगी? अरे बेटा इसे यही रख दे, कहीं भी सो जाएंगे, धरती इतनी बड़ी पड़ी है, इसे कहाँ ढोते फिरेंगे। अम्मी सहजादी नीचे क्या सोएगी? आए हाय, मैंने लाख बार मना किया है, शहजादी मत कहा करो मुझे, रुखसाना कहा करो, रुखसाना। आए हाय, अकड़ रही है अभी तो निकाह बिना हुआ, अकड़ रही है। बेटा यही रहन दे, यही छोड़ दूं? हाँ, यहाँ लगा दे दरवाजे में। ले यहाँ लगा दी, कोई ले दे, जब हमारी ना जब हमारी। चलो अब्बू अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो बैठो। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है अब्बू जी? ठीक ठाक बिल्कुल, आप सब? हाँ अब्बू जी, कैसे याद किया हमें? बेटा आज मैंने अपना सारा धन, ये नवाबी महल और अपने तन के जेवर भी, ये सब का सब तीनों के नाम कर दिया है। ये लो कागज, जाओ तीनों बराबर बराबर बांट लेना, मौज करो मौज। मेरे अब्बू अम्मी कितने अच्छे हैं। बेटा हमें चाहिए क्या सिवा दो रोटी के? बाकी सब तो आप लोगों का है। द ग्रेट अब्बू अम्मी, हमारे अब्बू अम्मी जैसे दुनिया में किसी के अब्बू अम्मी नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा अब्बू, अब हम चलते हैं। हाँ अब्बू सही कह रहे हैं भैया, घर पे बहुत काम है। अब्बू वैसे ही बिजनेस कम चल रहा, अब थोड़ा सहारा लग जाएगा। क्या बेटा सहारा लग जाएगा? हमने तो अपना सारा राजपाट तुम्हें दे दिया और तुम कह रहे हो थोड़ा सा सहारा लग जाएगा। अरे तो क्या हुआ, ससुराल का माल तो सहारा ही होता है। ठीक ही तो कह रहा है, हमारे नसीब में थी, हमें मिल गई। और सुनो, अगर हमारे नसीब में और होगी तो और बढ़ा लेंगे। हाँ क्या कहा, नसीब? अरे ये जो दिया है मैंने सब तुम्हें अपने नसीब से दिया है, और तू बोल रहा है कि मैंने अपने नसीब से लिया है? गुस्सा क्यों होते हो? अरे बेगम यही तो नसीब की लड़ाई है, इस नसीब के चक्कर में तो मैंने अपनी परी जैसी बेटी को खो दिया। जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी सूरत, निकल जाओ, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सारी जायदाद के मालिक हम। हाँ भाई जान। चल छोटे। हाँ बेटा मैंने सारा सामान रख लिया। शेख जी और कितने दूर चलोगे? मेरे तो हाथ और कंधे दोनों दुखने लगे। आ जाओ बेटा आ जाओ, बस सामने ही तो है गांव। अम्मी बतला तो रहा, मकान मालिक वहीं मिलेगा, वहीं उसके घर चलो, अगले गांव में तो है। हाथ भी दुख गए मेरे तो। अम्मी रुखसाना जी भी थक गई होंगी। शेख जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है, रुखसाना जी नहीं रुखसाना बोला करो, रुखसाना। ठीक है तो रुखसाना बोलता करूंगा। भाईजान भाईजान, तुम्हारा मकान बताया था किसी ने किराए के लिए। देखो भाईजान मुझे ऐसा लग रहा आप कहीं दूर से आए हो। हाँ भाईजान दूर से आए, हम बहुत परेशान हैं, हमें तुम अपना कमरा दे दो किराए पे। मैं तुम्हें कमरा दे दूंगा क्योंकि तुम फैमिली वाले हो। आपका लाख लाख शुक्र है जी। किराया पूरे 100 रुपए महीने होगा। ठीक है जी हम 100 रुपए ही देंगे। देखो किराया टाइम से नहीं दिया ना तो कमरा खाली करवा लूंगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है तो रहो,
किराया लेने आया करूंगा बस मैं। ठीक है जी, ठीक है, रहो आराम से। चलो तो अम्मी सामान रखते हैं अंदर। चलो उठा लो बेटा, अंदर चलो। आय अल्लाह, उठ भी ना रहा। अम्मी मुर्गी भी है इनके यहाँ। आय अल्लाह, थक गई। अम्मी? हाँ बेटा। इनका सामान तो यहीं रखा सारा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो अपना टाइम काटना, रखा रहन दे। थक गई अम्मी। ये ठीक हुआ बेटा, जो तुम दोनों का निकाह मैंने रस्ते में करा दिया। मगर अम्मी, हाँ? ये मकान वाली यूं कह रहा, अगर टाइम पे किराया ना दिया तो भगा दूंगा। शहजादी तुमने भी तो सुना। देखा अम्मी, अब तो तुमने हमारा निकाह भी पढ़वा दिया, अब भी शहजादी कह रहे हैं। शेखू बेटा, जब ये शहजादी नहीं कहलाना चाहती तो मत बोल। और क्या बोलूं, क्या बोलूं अम्मी, हम तो बचपन से शहजादी बोलते आए। अरे अब ये तेरी घरवाली है, रुखसाना कह के बोला कर। अब तो ठीक है बेटी, अब तो खुश। हाँ अम्मी, अब ठीक है, मेरा नाम लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी अब ये सामान रख के रोटी पका लो, मुझे भूख लग रही है। अम्मी मैं पकाऊंगी खाना, शेख जी पका तू। अरे बेटी, मैंने तुझे छोटी से बड़ी तक पका पका के खिलाया, अब और पका के खिला दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो तू मेरी अपनी है। मगर अम्मी, आपने खिलाया है एक शहजादी को, और मैं खिलाऊंगी अपनी सासू अम्मी को और अपने शोहर को, जो हर औरत का ख्वाब होता है। अम्मी अब ये सामान सही करके रोटी पका लो, भूख लग रही है भूख। मगर अम्मी, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये तो शेख जी ने मेरे मन की बात कह दी। खाना नहीं बनाना क्या? हाँ हाँ अम्मी, बनाना है बनाना है। चलो चलो सामान अंदर रखो। चल बेटा उठा इसे। बेगम चाय बढ़िया बनाइए। अब तो चाय मुझे ही बनानी पड़ती है, पहले रुखसाना बना लेती थी, अब वो भी चली गई। अरे तुम बार बार मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। मेरी परी तो मेरी तीनों बेटियां हैं। नवाब साहब, हमारे बाग काट दिए। क्या बाग काट दिए? हाँ नवाब साहब, हमारे बाग भी काट दिए और फार्म भी तोड़ दिए। क्या कहा, बाग काट दिए और फार्म हाउस भी तोड़ दिया? तुमने कुछ नहीं कहा। ठीक है तुम जाओ। ठीक है नवाब साहब। उनकी इतनी हिम्मत। बेगम जी। नवाब साहब फोन मिलाओ, बेटी दामाद से मेरी बात कराओ। जी अभी मिलाती हूँ। मेरा मतलब है सारी बातें सबके सामने हो जानी चाहिए। क्यों? हाँ दूल्हे भाई, क्या बात हो गई, कैसे बुलवाया? हाँ दूल्हे भाई बोलो। रुको रुको, अभी बताएंगे। मैं तुम लोगों को सारी बात बताऊंगा। वहाँ जो मेरे हिस्से में मकान आ रहा था वो मैंने वहाँ पे बेच दिया। जो वहाँ पे किराएदार था उसने वहाँ पे मकान खाली करने से मना कर दिया। ये क्या बात, तू हमारी बात करवाना। हाँ हाँ तुम्हारी बात करवाऊंगा, बात करवाऊंगा तुम्हारी। उनका फोन आने वाला है। हाँ हाँ हमारी भी बात कराना। हाँ ठीक है। उठाओ, लो आ गया फोन। लो ये लो, बेल जा रही है। हेलो दामाद जी। हाँ। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, और तुम्हारी तीनों बेटी भी यही सुन रही हैं। वो घर मेरे हिस्से में है और वो मैंने बेच दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ हाँ दिमाग खराब तो तुम्हारा है, और वो बाग जो है ना वो मेरे हिस्से में है, और मैं बहुत नालायक हूँ नालायक। देख लिया बेगम, लो बात करो। हेलो। लो भाईजान बात करो। अरे ये क्या सुन रही हूँ दामाद जी? मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से में तो जितने खेत खलियान आए थे मैंने तो सब बेच दिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है लो सलमा से बात कर लो। कराओ।
मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। लो सबाना से बात कर लो। क्या हुआ, हुई नहीं बात बेटी से? अबू ये सब सही कह रहे हैं, लो फरजाना से बात कर लो। लो बात करो, तुम ही करो पहले। हाँ हेलो, अब तुम्हें अलग बताना पड़ेगा, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। लो अपनी बेटी से बात करो, लो फरजाना बात करो। हाँ अम्मी बोलो। ये सब सही बोल रहे हैं। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं ठिकाना या जगह ना मिले तो हमारे घर चले आना, यहाँ वैसे भी नौकरों की बहुत कमी है, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। क्या कहा फरजाना? हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, अगर कहीं सहारा ना मिले तो यहाँ चले आना। ऐसी बात क्यों कर रही है बेटी, दो रोटी तो खानी है, यहाँ खा लेना। मैंने सही कह दिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह दिया। ठीक कह दी तूने। लो भाईजान फोन। चलो खाने की तैयारी करो, खाना बनवाओ, जाओ खाना बनवाओ। ठीक है जी। हाँ ठीक है। क्या बात हुई बेटी से? अब कोई बेटी बेटी नहीं है, सब मतलब के थे, अब तो ये घर भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों भाईजान, मैंने ठीक बोला था ना? अरे छोड़ दे अभी, तन्ने भी सही कहा, तन्ने भी सही कहा, और उन्हें भी समझा दे तीनों को। क्यों बे छोटे? ठीक है भाईजान। ओहो शेख जी तो सो रहे हैं अभी। या अल्लाह, शेख जी का भी अच्छी सी जगह काम लगा दे तो हमारा भी छोटा सा घर हो जाएगा अपना। झाड़ू लगा के शेख जी को भी उठाई देती हूँ, नहीं तो काम पे किस टाइम जाएंगे? काम पे भी तो जाना है शेख जी को। शेख जी उठ जाओ। हाँ। देखना कितना सूरज चढ़ गया। शेख जी उठो, आटा भी नहीं है घर में, अम्मी भी बोल रही थी। ठीक है अम्मी को पता? अम्मी तुम्हें भी पता? हाँ बेटा मुझे पता है, आटा खत्म हो गया। वो तो पड़ोस अच्छा है जो उधार मिल जाता है, वरना कोई नहीं देने वाला कहीं भी, वहाँ तो नवाब से ले आती थी। बेटा काम तो देख तुझे करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं काम के लिए लेबर चौक पे काम देखा है, कल काम लगेगा तो मैं आटा ले आऊंगा। वाह बेटा वाह। शेख जी काम लगे तो आटा ले ही आना, रात की रोटी रखी है, कहो तो ले आऊं। ठीक है तो रात की रोटी मुझे बांध के दे दे और मैं आटा ले आऊंगा, काम लगेगा। अभी लाती हूँ शेख जी। तुम बैठो बाबा, मैं थोड़ी सफाई करती हूँ, काम तो लगा नहीं। इबादत अल्लाह की कर ले, इबादत मौला की कर ले, इबादत अल्लाह की कर ले, इबादत मौला की। अल्लाह 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 अल्लाह। लियाकत अली आप ही हैं, ये कोर्ट के कागज है, पढ़ लेना। कोर्ट के कागज है? ठीक है मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। ओ भाई हमारे पास ना कुछ भी,
हम तुमसे पहले घाटे में हैं। ओ भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो तुमसे ज्यादा घाटे में चल रहा, मेरा तो होटल भी बंद हो गया, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी ना है। अम्मी अब्बू भी तो आने वाले हैं, बोल रहे थे आ जाने दो। इस हवेली को मैंने अपने हाथों से बनवाया है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो नवाब साहब, इसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता बेगम, मगर क्या करें, हम कोर्ट के सामने मजबूर हैं। नवाब साहब अब हमारा क्या होगा? अब जो भी हो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आ गया बेटा? मेरा बेटा थक गया होगा, आराम से बैठ जा। शेख जी मुझे लगा आज भी तुम्हें मालिक ने पैसे ना दिए दिखे। बेटा मालिक से बोलता कि पैसे दे दे, हमें आटा लाना है या फिर दूसरी जगह काम देख ले। अगर मैं बता दूं काम नहीं लगा, दरगाह पर साफ सफाई करके और नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, तो अम्मी रुखसाना बुरा मान जाएंगी, सोचेंगी। क्या सोच रहे हो शेख जी, सही में पैसे नहीं मिले क्या? कुछ नहीं रुखसाना, अम्मी मालिक बोला 4-6 दिन काम करो जब दूंगा पैसे, बोला मेरा यकीन करो, मैंने यकीन कर लिया। ठीक है बेटा, जब तूने यकीन कर लिया तो हमने भी मान लिया, ये तो विश्वास की बात है। ठीक है शेख जी, फिर तो तुम दूसरी जगह काम देख लो। ठीक है तम्मी, मैं दूसरी जगह काम देखता हूँ, जहाँ पैसे नगद मिलेंगे वहीं से आटा ले आऊंगा। हाँ बेटा जा, आज फिर पड़ोस में से आटा ले आऊंगी, कभी तो अल्लाह देगा। अम्मी हाँ बेटा, गए तो हैं, अगर कहीं काम लग जाएगा तो। या मेरे मौला, मेरे बेटे को कहीं ऐसी जगह काम दिला दे जो उसे नगद पैसे दे दे, आमीन। अरे एक बात बताओ, तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए किराए के? क्या बात, एडवांस लेते हम? दे देंगे जी, अभी मेरे बेटे का काम नहीं लगा, अभी महीना तो पूरा होने दो। हम तो पहले पैसे लेते हैं, तुम्हें तो छूट दे दी फिर भी। 2-4 दिन बाद ले लेना, या हम आपके घर में बर्तन चौका कर देंगे। ठीक है, अगर 100 रुपए भी ना बने तुम पे तो हमारे घरों में काम करना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, मैं कर दूंगी। ठीक है। क्या कह रही थी बेटा तू? तू कर देगी चौका बर्तन? तू ऐसा कर बेटा, तू खाना बना ले, मैं कर लूंगी ये काम तो। ठीक है अम्मी। या मेरे मौला, जैसी तेरी मर्जी। बेगम अल्लाह मियां जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो नवाब साहब। ये सब क्या हो गया? आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नसीब में ठोकर मार के अब ढूंढे कहां नसीब, दौलत थी जब साथ थे चलो बेगम, जब तुम कह रही हो तो बेटियों के पास ही चलते हैं। जब तो बादशाह बन के जब तो सारा माल दवाने को दे दिया, अब उन्होंने बेच दिया, फिर ठोकर खाते हैं। अब ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा, ऐसे फिरेगा, इसने खेत तो बेच दिए, अभी अपनी लड़कियों के ही जाएगा और कहाँ जाएगा, यूं ही फिरेंगे। अब क्या होगा इसकी नवाबगिरी का? लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ पे? आज पता नहीं कहाँ गया इसका नसीब, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना पैसा था, इतनी जमीन जायदाद, अब बचा क्या? अब ये सब तो चला गया, अब ऐसे फिरेंगे धक्के खाते हुए। अब कहाँ जाएगा, अपनी लड़कियों के पास ही जाएगा, घर खेत तो सारे बेच दिए, एक ही लड़की अच्छी थी वो ही घर से निकाल दी। लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ? भाई अब तो अल्लाह ही जाने। आज नसीब कहाँ गया, घमंड करना नहीं चाहिए। हमारा क्या, हम तो किसी खेत में काम कर लेंगे। भाई जिन्होंने खरीदे वो भी अच्छे इंसान है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। ओ बे टोपी गिर रही है यार, काम तो आज भी नहीं लगा,
और रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगे मेरा काम कहीं लगा नहीं। ठीक है कोई बात ना, थोड़ी दरगाह की सफाई करता हूँ, नमाज पढ़ के फिर घर चला जाऊँगा, जो है कि देख जाएगी अल्लाह के वास्ते। अच्छा एक बात बताओ, उन्हें बुलाया किसने था? मैंने तो मना कर दी, किस फरजाना ने बुलाया? हाँ दूल्हा भाई, फरजाना ने ही किया था फोन। मैंने कहा करा फोन, उनका आया था, वो आने के लिए बोल रहे थे, मैंने बोल दिया। देखो कह देना अपने माँ बाप से, गांव के बाहर जो हमारा पशुओं का कमरा है ना, उसमें जाकर रह ले, यहाँ रह के हमारी टेंशन न बढ़ावे। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या बुला के? बहुत रो रहे थे फोन पे। अरे हमने क्या मांगा था दहेज? जब उन्होंने दिया तो हमारा हक है। हम कमरा भी क्यों दें? उनका क्या कोई हक है यहाँ? बोल देना वापस चले जाएंगे। हक नहीं है तो क्या हुआ? अब आ ही रहे हैं तो दो चार दिन तो रोटी खिलानी पड़ेगी। अरे रोटी खिलाने के चक्कर में तो हमने अपने माँ बाप को घर से भगा दिया। क्या तुम तो बोल रहे थे हमारे अब्बू अम्मी सऊदी में है। अरे कोई सऊदी ओदी नहीं, अरे वो तो हमने किराए का बनाया था। रही तुम्हारे माँ बापों की बात, पशुओं वाले में रह लेंगे, दो दो रोटी दे दिया करना, ज्यादा फिक्र कर रही हो तो। ठीक है हमारे माँ बाप चार दिन के लिए आ रहे हैं, मैं दो दिन में भगा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से रहो। ठीक है। नहीं 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 बेगम, रोना मत। चलो बेगम चलो, कहीं और रह लेंगे। चलो रो मत बेगम, रो मत, चल ठीक है। जब आइयो तो बेटियों से मिल के ही चलूंगी। नहीं कोई बेटी बेटी किसी की नहीं। नहीं नहीं मैं मिल के जाऊंगी। वहीं मिल लियो, नहीं मानती तो चलो वहीं भैंसों वाले कमरे में रह लेंगे। ठीक कह रहे हो नवाब साहब, बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ बेगम हम तो यहीं आराम कर लिया करेंगे, आओ बैठो बेगम। देखो कम से कम बेगम बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ जी। या अल्लाह बेगम, यहाँ तो बदबू बहुत आ रही है। दौलत बदल देती है चाहे हो कितना करीब, अल्लाह की इबादत तो बदल देती है। चलो पशु प्यासे खड़े हैं, इन्हें इतने पानी ही पिला दूं। गोबर उठा दो नहीं तो नाराज हो जाएंगे सब। पानी पिएगी? पानी ले पी।
अम्मी। हाँ बेटा। तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक, वो सब नाराज होते हैं। आप अपने अब्बू अम्मी को इतना खिलाती पिलाती हो, तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक, बोलते हैं ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। उठा लो जल्दी से। अब तक इन ढोरों को पानी नहीं पिलाएगा तुम्हारे पे, और सारा गोबर पड़ा इनके पीछे। ठीक है बेटा, पहले इन्हें पानी वानी पिला के और ये गोबर ओबर उठा के इन्हें नहला दो, इतना भी काम नहीं होता, बिल्कुल हराम पच रहा है। तुम्हारी लड़कियों ने सर पे चढ़ा रखा तुम्हें। करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। बाबा थोड़ी साफ सफाई से कर लूँ तब बैठो बच्चा, फिर नमाज पढ़नी है। काम आज भी नहीं लगा, रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगी। जब काम ही नहीं लगा तो थोड़ी साफ सफाई कर लूँ दरगाह की, तब बाबा के पास बैठूंगा, बाबा के दिल की बूझूंगा, थोड़ा सा ज्ञान लूंगा बाबा से। अल्लाहु अल्लाहु। ओबे बाबा कहाँ चले गए, एकदम गायब, किधर चले गए, इधर तो नहीं बैठ गए, इधर भी नहीं है। बाबा बाबा कहाँ चले गए, मैं तो कुछ ज्ञान लेता बाबा, पहले ही चले गए। ठीक है तो मैं भी घर चलूँ नमाज पढ़ के, अम्मी रुखसाना पाठ देख रही होंगी, मगर बाबा का नहीं पता कहाँ गायब होगा। यहाँ लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं, हजार बार कह लिया इनसे अंदर पल्ली बिछड़ी उस पे लेट जाया करो, वे बहुत नाराज होते हैं। अब्बू बिल्कुल नहीं मानते, लो रोटी खाओ। क्या बेटा प्याज से लाई है, ये हरी मिर्च नहीं दिख रही। अब्बू जो मिले चुपचाप खा लिया करो, हमारा तो पहले ही बहुत दिमाग खराब है, उन्होंने सारी दौलत जुए शराब में लुटा दी, हम तो पहले ही बहुत परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, मेरी दवाई तो मंगा दो, तीन चार दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब है। हाँ बेटा मंगवा दो दवाई, तुम्हारे अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। देखो अब्बू कहाँ से लाए हम तुम्हारे लिए दवाई के पैसे, हमारे तो घर में हमारी बिल्कुल नहीं चलती। और ना मर गए तुम दवाई के बिना। हाँ हाँ तीनों भाइयों ने सारी दौलत फट्टे से लगा दी। बेटा हमें यहाँ इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी समधी से नहीं मिलवाया, तेरे अब्बू शिकायत कर रहे थे। हाँ बेटा मिलवा दो मुझे समधी से। वे तो छोटे वालों के साथ सऊदी में रहते हैं, जब इन तीनों में से उनसे कोई बात ही नहीं करता तो वो यहाँ क्यों आएंगे। अब्बू तुम्हें रोटी खानी है तो खाओ, हमारा दिमाग तो वैसे ही खराब है। यहाँ तो अपना गुजारा मुश्किल हो रहा है और तुम्हें कहाँ से ये फालतू टिक्कड़ दें हम। जाओ जाओ बेटा मौज करो, तुम हमेशा सुखी रहो, जिंदगी खराब कर रखी है। लो बेगम तुम भी खा लो। एक ये प्याज थी, ये भी मेरी किस्मत से निकल गई। या मेरे मौला तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, आज घर में आटा भी नहीं है और पड़ोसियों ने भी देने से मना कर दिया, मैं आज अपने बेटे शेखू को कहां से रोटी खिलाऊंगी। या मेरे मौला अम्मी तू जैसे रखेगा वैसे ही रह लेंगे। अम्मी क्या सोच रही हो, क्या बोलूं बेटा तू पैसे भी नहीं लाया, आज घर में आटा भी नहीं है, तुझे आज मैं रोटी कहां से बना के दूं। मेरे लाल आज तू पूरा दिन भूखा ही रहेगा। ठीक है अम्मी, आज मैं अपने मालिक से बोलूंगा, राशन खत्म हो गया। शेख जी रुको रुको एक मिनट, ये लो शेख जी ये लो, रात की एक रोटी रखी थी, इसे खा लेना और अपना ध्यान रखना। रुखसाना हाँ? मालिक बोल रहा था कि कल तुम्हें राशन दूंगा, तू ले जाना, तू मुझे बस थैला लाते। अभी लाती हूँ शेख जी।
ये लो शेख जी। ठीक है अम्मी, जा रहा हूँ मैं। ध्यान रखना शेख जी अपना। ठीक है। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, मेरे बेटे का काम लगवा दे। अम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, एक बात बता बेटा, जो रोटी तूने शेख को दी वो कहाँ से आई? अम्मी मैंने रात को एक रोटी कम खाई थी और मुझे पता था शेख जी काम पर जाएंगे, और आटा भी नहीं है। अरे तू मेरे शेख से इतना प्यार करती है कि अपने हिस्से की भी रोटी मेरे शेख को खिलाती है। या अल्लाह, या मेरे मौला, मैंने न जाने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो मुझे रुखसाना के रूप में बेटी मिली है। अम्मी आज शेख जी कह रहे थे वो आज जरूर आटा लेकर आएंगे, वो मुझे बता रहे थे आज रोटी पका के खूब भरपेट रोटी खाऊंगी मैं। हाँ बेटी, शाम को भरपेट रोटी खाएंगे हम। चुप हो जा मेरे लाडो, जा तू अपना काम कर ले बेटी। ठीक है अम्मी। आज बाबा से पूछता हूँ, बाबा मेरा काम क्यों नहीं लगता आखिर? बिना काम के कब तक घूमता रहूँगा? अम्मी को रुखसाना कब तक भगाऊंगा? अल्लाह अल्लाह। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम कैसे हो बाबा? बढ़िया, अल्लाह का एहसान और करम है। बच्चा तुम नीचे कैसे बैठ गए? ऊपर बैठो। गलत बात बाबा। हाँ बच्चा, मैं तो तुम्हें देख कर इधर आ गया था, काम के लिए फिर रहा था बाबा, काम कहीं नहीं मिला, दो चार घंटे खड़ा होकर लेबर चौक पा गया। मेरी बात सुन बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? भूखा हूँ कई दिन का। कई दिन के भूखे हो? हाँ बच्चा। बाबा एक रोटी है मेरे पास, तो वो भी रात की है, रुखसाना ने कम खा के बचा ली होगी रात की, आप इसे खा लो। फिर तुम क्या खाओगे बच्चा? बाबा मेरा तो अभी काम चल रहा, तुम कई दिन से भूखे हो, तुम खा लो, मेरे नसीब का भी खुदा देगा। तुम खा लो ये रोटी, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ, मगर बाबा है रात की रोटी है। कोई बात नहीं बच्चा, रात की रोटी पे तो कलमा पड़ा होता है। ठीक है तुम रोटी खाओ, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ। बेगम अब कई दिन से मेरा मन ठीक नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो ना बाप साहब। मैं हार गया बेगम, नसीब से हार गया। हार गया बेगम, जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी बेगम। हमारा यहाँ के अलावा दुनिया में है भी कौन? ये नौकर भी पता नहीं कहाँ चला गया, गेट खोलने मुझे जाना पड़ रहा है। कहाँ घूम के आ रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस यहीं तक गए थे। बेटी क्या बात है, दुआ ना सलाम। हाँ हाँ हो गई दुआ सलाम, यहाँ बैठ जाओ, सलाम ही सलाम है। बैठो बेगम। फरजाना कहाँ बढ़ गई? जिन बेटियों को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा लाड़ करता हूँ, अंदर से लाऊं बुला के, अंदर हो गई। आज वही बेटियाँ मुझे। आ फरजाना बाहर चल, तुझे कुछ चीज दिखाऊं मैं। आ देख देख, ये घूम क्या है, इन्हें पड़ रही है घूमने की। शर्म नारी ऐसे घूमते हुए इस उम्र में, जो रोटी मिल रही है चैन से खा लो, बिल्कुल नाक कटवा के मानोगे हमारी। वो तो सारे वैसे ही नाराज हो रहे हैं, चले जाइयो अपने। ठीक है
कई रोज हो गए थे यहाँ। मैं थोड़ा घूमने चला गया था, तेरी अम्मी कहने लगी, मैं भी चल रही हूँ, मैं इसे भी ले गया बेटा। कौन सा हैजा आ गया था तुम्हें? हट्टी कट्टी तो हो, कुछ काम नहीं करा जाता तुम पे। तुम काम ही कितना करती हो जो तुम बीमार हो गई। इतना काम पड़ा है इसे कर लो, वरना हमें ताने सुनने पड़ेंगे। पौधों में पानी लगा लो, वे पहले गुस्सा हो रहे हैं। आई समझ में? यहाँ आ गए हमारा खून पीने के लिए। चलो बेगम, रोटी खानी तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ जी नवाब साहब। या खुदा, अगर मैं घर ऐसी खाली हाथ गया तो अम्मी बोलेगी बेटा कुछ लाया नहीं। कहाँ से लाऊं, कैसे करूं? रुखसाना बोलेगी, शेख जी तुम तो कह रहे थे आटा लेकर आऊंगा। ऐसे करता हूं, थोड़े डिले और पत्थर कट्टे में भर के ले चलता हूँ, घर के बाहर रख दूंगा। अम्मी से कहूंगा राशन लाया था, किसी ने मेरा कट्टा बदल दिया, ईंट पत्थर दे दिए। ये काम करता हूँ, अम्मी भी नाराज नहीं होने की और रुखसाना भी ये नहीं कहने की कुछ लाए नहीं। ये आइडिया सही रहेगा, बिल्कुल भरता हूँ। हाय अल्लाह, कमर में भी दर्द हो गया। लगा दो जल्दी पोचा, नहीं तो बेटी दमन नाराज हो जाएंगी। या अल्लाह क्या करूं, बस की नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है दो रोटी के खातिर। बस अम्मी थक गई, तुम्हारे पीछे मुझे रोज बुराई मिलती है। तुम एक काम करो, चले जाओ यहाँ से। जब से आए हो हमारी नाक में दम कर रखा है, जब से तुम आए हो हमारे तो नसीब ही फूट गए। अरे बेटी मेरी सुन तो सही, मैं थक गई थी। जल्दी कर लो। कर रही हूँ बेटी, कर रही हूँ। बेटी अपने अब्बू को दो रोटी ला दे, सुबह से भूखे हैं। रोटी? अभी तो खाई थी रोटी, इतने में ही लगी आई तुम्हें भूख, अभी तो पूरा पोचा भी नहीं लगा। रोटी दे दो इन्हें, जब देखो रोटी, जब देखो रोटी। या अल्लाह, और क्या क्या करवाओगे मुझसे? अरे क्या पागल बनती है ये, आप कुर्सी में बैठे पानी ऐसे चल रहा। काम करना तो ढंग में कर लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। करता हूँ बेटा, चक्कर सा आ गया था। रिश्तेदारी बहुत होली, ठीक है एक तो तुम्हें खाने को दो, ऊपर से काम भी खराब करो, हद कर दी बिल्कुल ही। ठीक है कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। आगे कहना ना पड़े मुझे। ये यहाँ कैसे, अब क्या रह गया यहाँ? मेरी अम्मी रुखसाना, भाईजान मेरी अम्मी और रुखसाना कहाँ चली गई? तुमने तो नहीं भगा दिया किराया ना देने पे? भाई मैंने नहीं निकाला उन्हें, मेरे तो किराया दे गई, वो तो अपने आप खाली करके चली गई। किराया देकर खाली करके चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई मेरी अम्मी बताओ ना भाईजान। भाई जहाँ तू काम करता ना वहाँ से कोई आया था, वो बोल रहा था कि शेख जी ने अपना मकान ले लिया, वो वहीं चली गई। भाईजान भाईजान सही बताओ, कहाँ मेरी अम्मी, सही बताओ भाईजान। हाँ हाँ भाई, गांव के पूरब में चला जा, सबसे अच्छा मकान वही है, मकान मालिक ने तुझे बताया नहीं क्या? या मेरे मौला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अब मैं किधर जाऊँ भाईजान?
बताओ ना मैं किधर जाऊँ, कहाँ गई अम्मी? हाँ ऐसे मुड़ के सीधा चला जाइए गांव से पार, सबसे अच्छा मकान वही है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई जान, पूछ लूंगा सबसे अच्छा मकान कौन सा। चलो बेगम चलो, बेटी फरजाना, बेटी सलमा, बेटी सवाना, बेटी फरजाना, बेटी सलमा। हाँ क्या लेने आए यहाँ? अरे हम तो यहाँ पहले से परेशान है, ऊपर से तुम खड़े हो गए आके यहाँ। अब्बू आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ तो पहली कलेश हो रहा है। बेटी अब तुम्हें हमारी सिकल और दो रोटी भी भारी लग रही है हमारी। हाँ बेटी मैं तो वापिस जा रहा था, मैंने इसकी जिद के कारण तुम्हें आवाज लगा ली बेटी। सुनो हमें उपदेश मत सुनाओ, जो फरजाना ने कहा वो सुन लिया तुमने? जो अभी कुछ था ना, इन लोगों ने जुए में हरा दिया और ये घर भी बेच दिया। अब्बू अब ये लोग धक्के मार कर निकालेंगे, जब ही मानोगे क्या? तुम्हें भी जब सबर आएगा क्या, जब हम भी इस घर से निकल जाएंगे? चलो चलो बेगम, बहुत बड़ी दुनिया कहीं भी रह लेंगे। ठीक है बेटी, तेरे अब्बू बहुत बीमार है, लेकिन मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ इस साल में? हमने ठेकेदारी नहीं ले रखी तुम्हारी। कहीं भी जाओ हमें कुछ नहीं पता, जब से आयो हम तो और भी कंगले हो गए, ऐसा मनुष्य चेहरा लेकर आए हैं, हमारे तो नसीब ही फूट गए। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं आज तक अनजान था कि सब लोग मेरे नसीब से खाते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि हर खाने वाले के लिए हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं बेटी। हाँ ठीक है जाओ जाओ, ये ज्ञान कहीं और बांटना, यहाँ बांटने की जरूरत नहीं है। सही कहती थी मेरी बेटी रुखसाना, सही कहती थी, मगर मैंने अपने अहंकार में अपनी परी जैसी बेटी को खुदा मुझे माफ करने वाला नहीं है, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का, गुनहगार हूँ बेगम, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का। निकलो यहाँ से कटा कलेश। चलो कटा कलेश, चलो जी अंदर चलो। बच्चा वो तुम सामने घर देख रहे हो ना, वो शेख चिल्ली का है, यानी कि तुम्हारा ही है। हाँ जी। ये उसे उसके मालिक ने दिया है, मैं भी वही काम करता हूँ, मेरा और शेख चिल्ली का मालिक एक है। ठीक है जी। बाबा तुम्हें कैसे पता वो घर हमारा है? मालिक ने मुझे बता के भेजा है। ठीक है बाबा, शेख जी को भी पता बता देना, कभी वो हमें ढूंढते ही फिर है। घबराओ मत बच्चा, मैं शेख चिल्ली को यहीं छोड़ जाऊंगा। ठीक है बाबा, जरूर छोड़ जाना बाबा। ठीक है बच्चा, मैं छोड़ जाऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू। अम्मी बाबा सच बोल रहा है या मैं झूठ बहका रहा है? बेटा लग तो रहा है बाबा सच बोल रहे हैं, चलो आगे पता चल जाएगा। मुझे तो यकीन हो नहीं रहा। अम्मी मुझे तो ये घर भी बहुत बड़ा सा लग रहा है। हाँ बेटा कुछ शक्षा तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अम्मी। हाँ बेटा। ये हकीकत है या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ बेटा लग तो मुझे भी सपना सा ही रहा। अम्मी
हमारे शेख जी का मालिक कितना अच्छा। हाँ बेटा। अम्मी ये तो बहुत अच्छा है। गाड़ी इतना अच्छा अम्मी। चलो अम्मी अंदर से और देख लेते हैं, और चलो साफ सफाई भी कर लेंगे। हाँ बेटा तो सही कह रही है। ये सब प्रॉपर्टी और धन दौलत आप अपने होशो हवास किनापुर के शेख चिल्ली के नाम कर चुके हैं क्या भाईजान? आपकी भलाई इसी में है, यह कोठी खाली कर दी जाए वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या भाईजान? आने वाली 19 तारीख को खाली करनी पड़ेगी। या अल्लाह अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ, आप लोग इतना मायूस क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? बोलोगे भी क्या बात है? कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा। अब हमें इस कोठी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा और हमारे पास जितने भी कपड़े गहने सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। भैया तुमने मेरे सामने बढ़िया। और मंगाओ, इतने मैं बैठा हूं कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की, और कोई काम हो तो वो बताओ। आज पूरी छूट रखी मैंने, दिखा दिखा क्या है। पता नहीं क्यों साइन करना भैया। होटल में तुमने मेरी आंखों के सामने कर या अल्लाह ये क्या हो गया मुझसे। सब कुछ अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो ये तो कोर्ट के कागज हैं। हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब हमें कितने दिन और रहना है यहाँ? रहना क्या, आज ना कल तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब हमारी इज्जत इसी में है कि हम इस प्रॉपर्टी को अभी इसी वक्त खाली करके चले, इससे पहले कोर्ट हम पर कार्रवाई करे और वो हमें जलील करके धक्के मारकर यहाँ से निकाले। मगर ये बताओ ये प्रॉपर्टी खरीदी किसने है? कोई शेख चिल्ली है, उसके बाप का नाम जलालुद्दीन है, गांव किनापुर। शेख चिल्ली ये तो हमारे घर में नौकरी करता था, हमारा नौकर था नौकर। चलो उसी से पूछते हैं। हमें अभी ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। चलो हाँ चलो जी चलो चलो जाना पड़ेगा, मगर उसे ढूंढेंगे कहाँ? भैया इसमें उसका पता तो जरूर लिखा होगा। हाँ हाँ लिखा तो है, पता तो इसमें लिखा है, लेकिन पता इसमें किनापुर का नहीं है। ठीक है भैया, जो पता इसमें लिखा है हम उसी पते पर चलेंगे। कोई गलती हो गई होगी तो हम उससे माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ चलो अभी चलते हैं फिर। हाँ चलो पूछते पूछते पहुँच जाएंगे, पूछते चले जाएंगे। चलो चलो सीधा गली में चला जाइए। मुझे लग रहा सामने वाला ये बड़ा सा घर तो, और तो कोई इतना बड़ा घर मकान है नहीं। आए नहीं शेख जी, इतनी देर हो गई। अबे रुखसाना जी बैठी, अबे रुखसाना। हैं शेख जी आ गए? अम्मी अम्मी देखो शेख जी आ गए।
शेख जी घर तो बहुत अच्छा है ना शेख जी, तुम्हें पहले पता था? ये सब क्या है, तुम कैसे यहाँ रुखसाना? शेख जी ज्यादा बनो मत, तुम्हें सब पता। वैसे तो अच्छा है शेख जी, पर बहुत गंदा पड़ा था, मैंने पूरी साफ सफाई करी है। रुखसाना मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटा तेरा मालिक कह रहा था कि शेख चिल्ली की कमाई का कुछ हिस्सा है, तूने मांगा होगा उनसे? हाँ शेख जी, और कागज भी दे के गया, अंदर रखे सारे। और इसमें क्या है शेख जी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और क्या पका रही है रुखसाना तू? बिरयानी पकाई है अम्मी ने, तुम हाथ धो के खाना खा लेना। और इसमें क्या है बेटा? इसमें तम्मी डिले है, पत्थर है, पत्थर डिले है। डिले है? ला चल देखू तो सही। अम्मी डिले है, डिले। अरे देखन तो दे अम्मी। यार मेरे मौला, तूने तो मेरी राज रख ली है, इतना बड़ा घर इन्हें सब कुछ देगा। कैसी गांठ लगाई है शेख जी, खुल भी ना रही। पता नहीं कैसी गांठ लगा के लाया। अरे वाह बेटा, इतना रुपया कहाँ से? मैंने इसमें डीले पत्थर भरे, अम्मी कह रही है पैसे रुपया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये कैसा आ गए। क्या हुआ शेख जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि मालिक ने मुझे हिसाब लगा के कितना दिया, मेरी मजदूरी पूरी दी है या नहीं दी है। बेटा उस मालिक का काम ना टाइम से करता रहकर और ईमानदारी से, मालिक नाराज ना हो जा। चलो तो शेख जी अंदर, खाना तैयार है, खाना खा लो। खाना खिलाओ मुझे, भूख भी लग रही है। चलो 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 अंदर, चलो अंदर देखेंगे। अम्मी इसमें तो पत्थर थे, हल्का कैसा हो गया। शेख जी इधर आओ, तुम्हें एक चीज और दिखाऊं। हाँ। उसने बड़े बड़े सोफे भी दिए हैं मैं बैठने के लिए। बैठने के? हाँ। अच्छा रुक सना, उन्हें बाहर आ जाओ दिखाऊं। देखने में बहुत अच्छी है बेटा। और देखो शेख जी गाड़ी। ओ भैया किसकी गाड़ी रुकसाना? शेख जी ये गाड़ी भी तुम्हारा मालिक दे कर गया, अब मैं गाड़ी में जा करूंगी। अम्मी अब तू भी गाड़ी में जा करेगी? हाँ। ऊपर वाले ने दे दी हमें गाड़ी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो चलो अब भी चलो चलो आ जाओ। चलो चलो बेटा चलो। एक यही सहारा था बेगम, ये भी छूट गया। बेटियों पे हमें विश्वास था, उन बेटियों ने भी हमें धोखा दे दिया। हाँ बेगम, जिन बेटियों को हमने अपना सब कुछ दे दिया। नवाब साहब इस गांव के प्रधान के पास चलते हैं, ना जाने कोई काम मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो बेगम, ये लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान गांव के प्रधान का मकान कौन सा है? प्रधान जी तो बाहर गए, हमें बताओ कोई काम है हम कर देंगे। काम नहीं था, काम करना चाहते हैं, बस दो रोटी मिल जाए। प्रधान जी तो यहाँ है नहीं, गांव में एक नया जमींदार आया है, लेकिन वो है मोमडन, अगर उनके यहाँ काम करना है तो आगे गली में चले जाओ। ठीक है भाईजान, किधर को है उनका मकान? सामने चले जाओ गली पार करके, आगे गली में जाकर बड़ी सी कोठी उन्हीं की है। शुक्रिया भाईजान, चलो बेगम चलो। ठीक है भाईजान। बाजी कब तक चलेंगे ऐसे? ऐसे कब तक चलते रहेंगे, किसी से पूछ ही लो कहाँ है उसका आता पता। जब तक किसी से नहीं पूछोगे हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ। चलो चलो। अल्लाह मियाँ हमें हमारे कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? ना तुम ऐसा करते, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी करनी हमें भुगतनी पड़ रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से अब खा तो रहे हो रास्ते में धक्के। अब मुझे क्या पता था, मैंने तो नशे में साइन कर दिए थे। भाईजान जो हमारी किस्मत में लिखा वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फरजाना वो तुम्हें पहचान भी लेगा। चलो चल के देखेंगे। या मेरे मौला बस तू ही एक सहारा है, जब तो सब कुछ जुए में लुटा दिया। भाईजान ये लोग खड़े सामने, इनसे पूछ लो। हाँ भाईजान। हाँ पूछ लो पूछ लो। भाईजान हमें शेख चिल्ली घर जाना, यहाँ का पता बताया था। हाँ भाई है तो एक शेख चिल्ली कोठी, वो आ गया आ गए। सीधे चले जाए? हाँ ठीक है जी। चलो बिल्कुल सीधा बता रहा है। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, अल्लाहु अल्लाहु। नसीब में ठोकर मार के नवाब सब सामने ही बता रहे थे। चलो नसीब
बाप साहब है तो किसी मुंडन की होगी। खान साहब सुनो जी, एक बात बताऊं, तुमने अच्छा नहीं करा, जो यार दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब जैसा अल्लाह मियां का हुक्म। हाँ ठीक कह रहे भाई जान। खुदा जाने अब क्या होगा, मैंने अकेले ने थोड़े कर दिया सब कुछ। कम तुम में कोई सा ना है, तीनों एक से बढ़ के एक हो। मेरी क्या गलती है, मैं तो इन दोनों से छोटा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ चल तो रहे हैं। नवाब साहब बैल बजा दो। हाँ ठीक कहती हो बेगम, शायद अब कोई बाहर आ जाए। बेटा तू अम्मी रुक जाना। बैठो अम्मी, अम्मा बैठो आराम से। अबू तुम्हें आज किस रुखसाना की याद आ गई? अबू अम्मी ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। शेख जी, अम्मी देखो तो कौन आया है, अम्मी देखो तो कौन आया है। शेख जी जल्दी आओ। रुखसाना आ रहा हूँ, जल्दी आओ शेख जी। नवाब साहब, बेगम साहिबा, हमारे घर। अम्मी देखो अम्मी अबू आए। नवाब साहब आओ जरा, क्या बात है? नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। अबू अम्मी ठीक हो ना तुम? शेख जी अम्मी देखो आज अबू हमारे घर आए हैं। हाँ हाँ बेटी, नवाब साहब को नौकरों की जरूरत होगी इसलिए आए हैं। नहीं जमीला नहीं, मैं आज नौकर के लिए नहीं, खुद नौकरी के लिए आई हूँ। रुखसाना नौकरी की बात नहीं है, नवाब साहब नौकरी के लिए नहीं आए, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। सब चाल चला के निकाल देता है बेटा ऊपर वाला, मैं आज मान गया सब चालें यहाँ नसीब से चलती हैं। बेटा अब बातें ही करती रहेगी, इन्हें रुलाती रहेगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी ना? जाना जा कुछ खाने को ला। ठीक है अब्बू, तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दे बेटी। नहीं नहीं अब्बू, आप भूखे होंगे, मैं कुछ लेके आती हूँ। मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया? मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन नवाब साहब ने मेरी एक ना सुनी। आप रो क्यों रही हो बेगम साहिबा? नवाब साहब रो क्यों रहे हो? और सुनाओ कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊं जमीला, सारा कारोबार खत्म हो गया। खत्म हो गया? मैं अपने आप को बहुत बड़ा नसीब वाला मानता था जमीला, मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, रो मत रो मत, नवाब साहब रो मत, हिम्मत रखो। अम्मी मुझे लग रहा है नाराज है नवाब साहब भी और बेगम साहिबा भी। बेगम साहिबा हमें माफ कर देना, मैंने आपकी रुखसाना का निकाह अपने शेखू से करा दिया, वरना ये कहीं जाकर मर जाती। कैसी माफी जमीला, ऊपर वाला तो मुझे माफ भी नहीं करेगा और मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ जमीला। मैंने अपना उनको सब कोठी बंगला धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया बेटा,
और उन्होंने अपने घर से हमें भगा दिया बेटा। हाँ बेटा, दर दर की ठोकर खा रहे, रोटी के भी लाले पड़ गए। ठीक है बेगम साहिबा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपका नमक खाया, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। देखो मेरा बेटा कितना समझदार है ना बेगम साहिबा। बेगम नहीं जमीला, अब तो समदन कह के बुला लो मुझे, ये दर्जा मुझे कहीं नहीं मिला जमीला, ये दर्जा तो दे दो मुझे। चुप हो जाओ बेगम साहिबा। हाँ तुम मेरी समधन हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खाओ खाओ बेगम साहिबा, आप भी खाओ ना नवाब साहब, खाओ खाओ समधन। मैं किस मुंह से इस खाने के निवाले को उठाने जा रहा हूँ, इससे तो मैं कहीं अपनी जान को खत्म कर देता। नसीब बाप, जिस बेटी को अपनी दौलत में मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, आज मैं उसी के दरवाजे पर खाना खाने के लिए बैठा हूँ। मैं मर क्यों नहीं गया अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गया। ये खाना हमारा नहीं है अब्बू, ये खाना सिर्फ आपके नसीब का है, अल्लाह ने आपके नसीब का भेजा है। बेटी रुखसाना, बेटी रुखसाना, आज मैं मान गया तू वाकई में अपने नसीब का कहती थी, तू सच कहती थी बेटी, तू वाकई अपने नसीब का कहती थी, मैं ही गलत था, मैं दौलत के नशे में भूल गया था बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। हमारे अंदर आप लोगों के लिए कोई नाराजगी नहीं है, क्यों अम्मी? हाँ हाँ समधन, पहले आप कुछ खाओ। अगर आप लोगों ने हमें माफ कर दिया हो तो हम कुछ खाएं। हाँ रुखसाना की अम्मी, तुमने ठीक कहा, अगर समधन तुम माफ कर दो तो हम कुछ खाएं। इसमें माफी की क्या बात है, माफ किया। और समधन आज से तुम मेरे साथ ही रहना, अब अपनी समधन के पास ही रहना। पर अम्मी तुम्हें पता, जब से हमारे घर में रुखसाना आई है ना, जब से हमारे घर में बरकत ही बरकत आ गई। ये तो मेरे शेखों के मालिक का प्यार है जो आज हम इतनी आलिशान कोठी में बैठे हैं। मेरी रुखसाना, जब से घर से निकली है, जब से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है और अब तक थमी नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ, अगर मैं नवाब कहलाता था, मैं रुखसाना के नसीब से कहलाता था, मैं अपनी छोटी बेटी के नसीब से कहलाता था। कैसी बात कर रहे हैं आप, चुप हो जाओ।
जाओ अब्बा चुप हो जाओ, कुछ खा लो अबू कुछ खा लो। मैं तो तेरी वजह से ही नवाब कहलाता था मेरी लाड़। अबू चाय पियोगे? चाय घाल दूं? खाओ खाओ तो खाओ, कुछ खाओ, तो खाओ। अबू लो मिलो लो, तुम भी खाओ। बेटा बेगम साहिबा हम भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, तुम लो समदन, पहले तुम खाओ। अबू लो खा लो। हाँ खिला दो बेगम साहिबा, खाओ। ले आज तू भी खा लेने वाला मेरे हाथ से मेरे लाड़ो। अम्मी तुम भी खाओ। भरपेट खाओ समदन, भरपेट आप लोगों के लिए है। ले बेटी आज तो तू भी मेरे हाथ से खा ले। लो समदन चाय लो। भाईजान ये आदमी खड़ा सामने, इससे पूछ लो शायद ये बता दे। रुक साना बेटा, बर्तनों को अंदर रखिया। ठीक है अम्मी। रुखसाना? हाँ शेख जी। अब्बू अम्मी के लिए बिरयानी बनी है, बिरयानी बढ़िया वाली। ठीक है शेख जी। हाँ अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी पकाती है रुखसाना। हाँ हाँ वो तो है। क्या शेख चिल्ली का घर यही है? रुखसाना। हाँ शेख जी। देखे दरवाजे में कौन है, ले आओ अंदर, ले आओ इन्हें। ठीक है शेख जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली आप ही हैं? हाँ जी हाँ जी, बैठो बैठो। जी शुक्रिया। आप कुछ चाय नाश्ता लोगी? नहीं जी अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन खाऊंगी। हाँ पानी पी लूंगी। ये लो। जी शुक्रिया। नाश्ता मंगाऊं आपको? जी नहीं अभी तो मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, मुझे कोर्ट जाना है, नाश्ता फिर कभी, फिलहाल तो पानी से काम चल गया। अजी हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी मैडम, आप किस काम से आई हैं? काम क्या है, कुछ कागजात देने थे। कैसे कागजात? जो किनापुर के नवाब थे उनके दामादों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। फिर क्या, तुम्हारे मालिक ने सारी प्रॉपर्टी खरीद कर तुम्हारे नाम कर दी, वो कागज देने आई हूँ। भाई जी शेख चिल्ली का मकान यही है? मकान नहीं है, कोठी है, कोठी। ये सामने दरवाजा उन्हीं का है। हैं इतना बड़ा घर? ये लो ये है कागज। शेख चिल्ली जी। वह कौन है भाईजान? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। बाजी सोना। बाजी आप सब हमने तुम्हें बहुत सताया है बाजी। बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सब बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और मेरी सबसे बड़ी बाजी हो ऐसा मत कहो बाजी। नहीं बाजी नहीं, कैसी बातें कर रही हो बाजी आप? अरे क्या हुआ मेरी बच्चियों, रो क्यों रही हो? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ काला, काला हमें माफ कर दो, हमने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी काला।
हमेशा नौकर वाला व्यवहार किया। खाला हमें माफ कर दो। हाँ खाला हमें माफ कर दो। चुप हो जाओ मेरे बच्चियों, चुप हो जाओ। पहले चुप तो हो, क्या हुआ? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रुक जाना बेटा, तू भी चुप हो जा और इनके खाने पीने का इंतजाम कर। ठीक है अम्मी। आ जाओ बैठो। अम्मी अबू, अम्मी अबू। बाजी अच्छा शेख जी, मैंने आपको कागजात दे दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी। हाँ बेटा। हम इन कागजातों का क्या करेंगे? हम तो कल भी नवाब साहब के नसीब का खाते थे और आगे भी नवाब साहब के नसीब का खाएंगे। हाँ बेटा। शेख बेटा, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं तो खुदा का भी गुनहगार हूँ। मुझे तुमने तो माफ कर दिया, वो खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? नवाब साहब, अल्लाह सभी को माफ करता है, अगर दिल से माफी मांगी जाए तो। अम्मी, मेरा दिल तो ये कह रहा है हम सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, रुखसाना सही कह रही है। देखो, हर गलती का इलाज माफी है। अगर माफी सच्चे दिल से मांगे तो हर गलती माफ हो सकती है। तू ठीक कह रहा बेटा, मेरे बेटे शेखू ने बिल्कुल सही कहा। अब हम सब एक परिवार की तरह इस मकान में रहेंगे साथ साथ, क्यों बेटे? हाँ खाला। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अम्मी ने सही बोल दिया और अब हम सब फिर मिलेंगे। दोस्तों, जो मैंने अपने गरूर और घमंड में अपनी बेटी रुखसाना के साथ किया, ऐसा कोई मत करना, क्योंकि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। हाँ दर्शकों, पैसे के गुरूर में आके जैसे हमने अपने माँ बाप की बेकदरी की, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं चारों भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, तो मैंने बड़े होने का फर्ज नहीं निभाया, दौलत में अंधा हो गया था। कोई भी बड़ा भाई अपने परिवार में ऐसा ना करे, अपने परिवार को साथ लेकर चले, बड़े भाई का फर्ज निभाए। और दोस्तों, जैसे मैंने नौकर बन के नवाब साहब के यहाँ वफादारी की है, दौलत के लिए बेईमानी कभी मत करना मालिक से। ईमानदारी से काम करोगे तो ऊपर वाला झोली भर के देता है। सब ईमानदारी से काम करना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म में तो मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, मुझे तो अल्लाह मियां ने रुखसाना के रूप में घर वाली थी और इतनी धन दौलत दे दी, मैं तो ऊपर वाले से खुश।